Hi guys, welcome back to my channel Mini Vlogs, Indian Mom Beauty Fashion और Lifestyle Care में videos बनाती हूँ. I'm here with a new video guys. मैंने आपको मेरे Western Collection video में बताया था कि मैं आपको अपने कानपुर स्ट्रीट शॉपिंग I will share with you. So I am here with a कानपुर स्ट्रीट शॉपिंग और मैं अपने कानपुर स्ट्रीट शॉपिंग भी मेरा पार्ट वन पार्ट टू में आएगा क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं. मुझे बताते हैं लोग कि ज़्यादा वीडियो लंबे ना हो पाए, इसलिए मैं अपने आइटम 5-5 क्लोथ्स में डिवाइड करके आई एम शेयरिंग विथ यू. और अभी मैं 5 दिखाऊंगी, फिर 5 दिखाऊंगी, फिर जो बचेंगे फिर दिखाऊंगी. ओके गाइज, और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको पता होगा कि उनको नहीं पता होगा कि आई एम सो टॉकेटिव. जो ऑलरेडी जानते हैं वो जानते हैं कि आई एम सो टॉकेटिव. और आई एम गोइंग टू, बट इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टैप द नोटिफिकेशन बेल. नोटिफिकेशन बेल टैप करेंगे तभी पता चलेगा मेरे वीडियोज आ गए हैं. सो गाइज, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बातें कम करती हूँ, सामान ज़्यादा दिखाती हूँ. यस गाइस, मैं कानपुर अपनी मदर के यहाँ गई थी. कानपुर में बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलता है, बहुत ही अच्छा क्लोथ मिलता है. सो मैंने वहाँ से बहुत शॉपिंग करती हूँ और इस बार मैं फिर जाऊँगी 2018 में. तो वहाँ से जो शॉपिंग करूँगी आई एम अगेन शेयरिंग विथ यू. ये 2017 की शॉपिंग है, मैं लास्ट ईयर गई थी नवंबर में. सो मैंने ये शॉपिंग की थी एंड आई एम शेयरिंग विथ यू. सो लेट्स स्टार्ट माई शॉपिंग. वेयर इज माई क्लोथ्स एंड टोटल Here is my clothes, 5 item what I am going to share with you one by one. Okay guys, so सबसे पहला ही जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो चीज़ है skirt. This skirt अभी ethnic है. ethnic skirt बहुत ही trend में है, बहुत ही ज़्यादा चल रही है. कुर्ते के ऊपर पहन लीजिए, long कुर्ता हो और उसके साथ skirt. So this type की skirt I want, मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी but मुझे भोपाल में मिल नहीं रही थी और बहुत ही कंफर्टेबल मतलब प्राइस पे नहीं मिल रही थी. और ये मुझे कानपुर में बहुत ही स्पेशल प्राइस पे मिली है, बहुत ही बजट फ्रेंडली. और ये स्कर्ट आप देखोगे तो इट्स वेरी नाइस, इतना सुंदर कलर है, ब्रेड्स दी हुई हैं और यहाँ पे पीछे इलास्टिकेटेड है. यहाँ पे इस तरीके का बटन दिया हुआ है, जिप दी हुई है, चेन. और बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे ये स्कर्ट. इसका पहले मैंने गोल्डन कलर देखा था, वो मुझसे रह गया, फिर मेरे को ऑरेंज मिला. और इसके साथ आप कोई भी लॉन्ग कुर्ती पहन सकते हो. और ये काफ़ी हाई वेस्ट स्टर्क स्कर्ट है, इसको आप एथनिक बना सकते हो, एज अ लहंगा ट्रीट कर सकते हो. क्रॉप टॉप के साथ आप इसको एज अ लहंगा भी पहन सकते हो. और वेरी नाइस, इसके नीचे अस्तर दिया हुआ है ऑरेंज ही कलर का इस तरीके का. और ये पूरी फुल लेंथ स्कर्ट है, ये देखिए आप देख सकते हो. इट्स वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर स्कर्ट है. फैब्रिक इज़ वेरी नाइस, बहुत ही गोल्डन और शाइनी. कई भी एथनिक वियर के साथ आप इसको टीम अप करके बहुत अच्छा लुक बना सकते हो. और ये इसका बैक है जो आप देख रहे हो. और ये काफ़ी सुंदर सा इसमें प्लेट से बना है तो ये काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है. इसको आप मैरिज पार्टी है कहीं पे भी है तो आप इस पर एक लॉन्ग सा कुर्ता पहन के दुपट्टा लेके बहुत ही सुंदर लगेगा. मैं आप मेरी बात मानिए, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सुंदर अमेजिंग लगेगा. ये देखिए, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम शेयरिंग विथ यू. और काफ़ी अच्छा ये मुझे गाइज 450 ओनली 450 की मिली सी थी तो मैं बहुत खुश हुई थी कि 450 मुझे कानपुर में मिल गई. और वो भी मैंने शोरूम से ली थी तब भी मुझे इतनी अच्छी मिली. और आई लव दिस स्कर्ट, बहुत अच्छी है. तो इस तरह की स्कर्ट एक आपके पास होनी चाहिए जो मैंने कानपुर से शॉप की थी. सो दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट आई हैव शॉप 3 कुर्तीज एंड आई विल शो यू. हाँ, डेनिम कुर्ती अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप सबको पता है डेनिम कुर्ती का बहुत क्रेज चला हुआ है. सो आई एम ऑल्सो बाइंग वन डेनिम कुर्ती. दिस इज माई डेनिम कुर्ती और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर डेनिम है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है. इस तरीके का यहाँ पे थ्रेड वर्क दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो. इस तरीके का यहाँ पे अगेन यहाँ नीचे फ्रंट कट दिया हुआ है, इस तरीके का यहाँ पे फिर से थ्रेड वर्क दिया हुआ है, फ्रंट कट दिया हुआ है. स्लीव्स में इस तरीके की थ्रेड वर्क दिया हुआ है जो बहुत सुंदर लगता है. और यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है, ये आप देख सकते हो स्लीव्स पे, ये बहुत सुंदर लगता है. सो दिस इज़ माई जीन्स डेनिम कुर्ती जो सबके वॉर्डरोब में होना चाहिए. तो मैंने कानपुर से ये एक डेनिम कुर्ती बाय की, इसका बैग कुछ इस तरीके का है. और आई होप सबके पास डेनिम तो एक होनी ही चाहिए. डेनिम कुर्ती हाई बहुत ट्रेंड में चल रही है एंड दिस कुर्ती इज़ ऑफ 650 रुपीज़. तो मुझे ये भी ठीक लगी, कोई महंगी नहीं लगी डेनिम की कुर्ती 650 में. और इसमें थ्रेड वर्क की डिटेलिंग थी, शायद इस वजह से ये थोड़ी सी कॉस्टली थी बट मुझे फिर भी अच्छी लगी. और ये साइज़ मेरा एक्सेल है, ब्रांड कॉल है पैशन और नॉर्मल शोरूम से ली थी मैंने कानपुर के. सो इट्स वेरी नाइस, पंजाबी बुटीक है. को पंजाबी पंजाबी कलेक्शन के नाम से ही कानपुर में वो शोरूम है जहाँ ये इतने अच्छे अच्छे कुर्तीज़ तो बहुत अच्छी मिलती है. और तीनों कुर्ती दिखाऊंगी, तीनों मेरी वही की है.
So guys, this is the my first second product, second growth. Or I hope aapko ye bhi acha laga hoga. Denim ka cloth, and cloth is material is very soft and comfy. Okay guys, ab iske baad jo mera next hai guys, wo jo maine liya tha wo chikankari kurti. Yes, ek chikankari kurti bhi sabke wardrobe mein hona chahiye. Chikankari bahut hi sahi rehta hai. Aur ये मैंने एक चिकनकारी कुर्ती भी ली, और इसको आप चाहे, ये बहुत लॉन्ग कुर्ती नहीं है, चिकनकारी शॉर्ट है, आप चाहे जेगिंग के साथ पहन सकते हो या फिर किसी भी लेगी के साथ भी पहन सकते हो या प्लाजो के साथ पहन सकते हो. सो दिस इज माय थर्ड कुर्ती विच आई एम शोइंग यू. या वाओ, दिस कलर आई लव इट. और आप देख सकते हो दिस इज़ अ फुल चिकनकारी वर्क, और यहाँ पे इस तरीके के क्रीम कलर के फ्लावर बने हुए हैं. यहाँ पे चिकनकारी वर्क की 3 बटन है. कुर्सुइया वर्क नेक पे दिया हुआ है, स्लीव्स पे भी इस तरीके का कुर्सुइया वर्क दिया हुआ है, और ये जो है थ्रेड कपड़े से ही ये फ्लावर बनाए गए हैं. सो आई लव दिस कुर्ती ओवरऑल, और इसके यहाँ पे भी थ्रेड वर्क दिया हुआ है. सो वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर लगती है ये. पूरी नहीं दिखा पा रही हूँ. ये इसका बैक है गाइस, और दिस वन इज द कुर्ती विच आई हैव बॉट. एक चिकनकारी कुर्ती भी होनी चाहिए, तो चिकनकारी कुर्ती भी मैंने ले ली. मेरे पास जो नहीं था वही आइटम मैंने ज़्यादातर बाय किए कानपुर से. सो दिस इज वेरी नाइस कुर्ती, और चिकनकारी कुर्ती बहुत महंगी आती है. ये कुर्ती भी मेरी 700 की थी, फिर भी मुझे ठीक लगी क्योंकि इसे काफ़ी कुछ वर्क बहुत अच्छा था. तो ये जो वर्क बनाए हैं ये सब आई लव दिस. सो मुझे ये अच्छी लगी, सो मैंने ले ली. और इस कलर की कुर्ती नहीं थी मेरे पास, सो मैंने ले ली गाइज. सो गाइज, ये है मेरा वो प्रोडक्ट जो मैंने उसके बारे में आपको दिखाया. आई होप आपको भी ये मेरी कुर्ती अच्छी लगी होगी. चिकनकारी, चिकनकारी भी सबके पास होना चाहिए गाइज. एक चिकनकारी तो बनता ही है, और एक जो मैं दिखा रही हूँ मेरे पास भी ये एक ही एक है, नहीं था इसीलिए मैंने लियो. सो गाइज, ओके, सो दिस इज माई कुर्ती एंड आई होप आपको पसंद आई होगी. अब जो गाइज, इसके बाद मैंने एक स्कर्ट और ली, बट वो लॉन्ग स्कर्ट नहीं है, मैं यहाँ नहीं पहन सकती हूँ, बट कहीं घूमने जाएंगे तो अपने हबी के साथ ले लेंगे. मैंने आपको बताया था मेरे वेस्टर्न कलेक्शन में भी जो स्कर्ट थी वो काफ़ी सस्ती मिलती है कानपुर में. सो मैंने कानपुर में एक स्कर्ट और ली, और ये काफ़ी अच्छी मिली, सस्ती मिली. आप देख सकते हो शॉर्ट स्कर्ट है, और बहुत ही मुझे सही मिल गई थी, ओनली ऑफ 200 रुपीज़. तो मैंने सोचा ले लेती हूँ. देखिए, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो क्लोथ्स लेना बहुत आसान है, उनको तो बहुत अच्छे अच्छे सस्ते क्लोथ्स मिलते हैं. बट जो हम लोग भोपाल जैसे सिटी में और जो बाकी जगह रहते हैं जहाँ नहीं मिलते हैं, तो वहाँ कानपुर का ही मटेरियल मुझे अच्छा लगा और बहुत सस्ता लगा. तो मैंने ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी, मम्मी चाहिए मुझे, तो मैंने ले ली. ना अब दिल्ली कौन जाएगा, इसने कहाँ इतना पैसा खर्च करके दिल्ली जाए, तो 200-300 रुपये ही महंगा पड़ता है कानपुर में भी, वरना कानपुर में भी अच्छा मिलता है कपड़ा. सो दिस इज माई स्कर्ट, दिस वन इज शॉर्ट स्कर्ट, आप देख सकते हो शॉर्ट स्कर्ट है, और ये मैंने ली, बट ये ओनली ऑफ 200 रुपीज़. और ये पिंक कलर का यहाँ पे है, क्रीम कलर की डिटेलिंग यहाँ है. सो आई लव दिस, इसको कहीं घूमने जाए हम, किसी जैसे गोवा जैसी प्लेस हो जहाँ बीच टाइप की प्लेस हो, तो आप इसको किसी भी कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती टॉप के साथ इसको वेयर कर सकते हो. नीचे आप चाहो तो लेगी पहन सकते हो, जैसे मैं लेगी के साथ ही पहन सकती हूँ. और अगर कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे हबी हैं, हम जस्ट वैसे गए, तो नहीं भी पहने लेगी तब भी चलेगा. अदरवाइज वैसे आप इसके साथ लेगी भी, ब्लैक कलर की लेगी ट्राई कर सकते हो, ब्लैक टॉप के साथ इसको वेयर कर सकते हो, बूट्स पहन सकते हो, शूज़ पहन सकते हो. इट्स लुक अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और बहुत सस्ती मिली मुझे, और कॉटन का फैब्रिक है, इट्स वेरी नाइस सॉफ्ट. सो मैंने ले ली 200 में. सो गाइस, ये थी मेरी वो स्कर्ट जो मैंने आपके साथ दिखाई. इस तरह की स्कर्ट तो ज़्यादातर लोगों के पास होती है, बट मेरे पास नहीं थी. मेरे पास, मैंने आपको अपने वेस्टर्न कलेक्शन में लॉन्ग स्कर्ट दिखाई थी, तो ये शॉर्ट स्कर्ट भी ले ली मैंने, और इसका ट्राई ऑन भी हम ज़रूर दिखाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे जब मौका मिलेगा. आई विल क्लिक माई पिक्चर्स एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं, सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए. सो ये हो गया. अब गाइज, इसके बाद बस लास्ट प्रोडक्ट है, वो आपको दिखाती हूँ, फिर मेरे कानपुर स्ट्रीट शॉपिंग का पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. और अब जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है, कोल्ड शोल्डर कुर्तीज, इट्स वेरी ट्रेंडिंग
कोल्ड शोल्डर कुर्ती बहुत ट्रेंड में चल रही है और ये भी मुझे पसंद आई और बहुत ही सिंपल सोबर सी कुर्ती है। दिस इज ओनली ऑफ ब्लू कलर कुर्ती। ऑरेंज का यहाँ नेक पीस दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से कोल्ड शोल्डर दिया हुआ है, एक बटन की डिटेलिंग दी हुई है और इस तरीके से बटन यहाँ यहाँ पे स्लीव्स पे भी दिया हुआ है और मटेरियल इज रेयन, वेरी नाइस मटेरियल, सॉफ्ट। मैं इसको एक बार पहन भी चुकी हूँ और कोल्ड शोल्डर था, मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहन के गई थी, उन सबको काफ़ी पसंद आई थी। और दिस कुर्ती इज ओनली ऑफ 500 रुपीज, सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट। हाँ, और इसके यहाँ पे इस तरीके से ऑरेंज की पाइपिंग दी हुई है ताकि कुर्ती में लुक अच्छा आए, क्योंकि दिस वन इज अ सॉलिड कलर, प्योर सॉलिड कलर है। एंड बस गाइस, इसको तो हम किसी भी प्लाजो, ऑरेंज कलर के प्लाजो के साथ मैंने टीम अप किया था, प्रिंटेड प्लाजो के साथ। व्हेनेवर, जब भी आप कुर्ती ऐसी पहने कि वो सॉलिड कलर हो, प्लेन हो, तो नीचे का प्लाजो प्रिंटेड पहन सकते हैं और नहीं है तो लेगी पहन सकते हो, वरना जो प्लाजो वो प्रिंटेड पहनिए तो आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। और अगर कुर्ती आपकी प्रिंटेड है तो प्लाजो प्लेन पहनिए, ये इतना सुंदर और सोबर लुक देता है, आप मानिए नहीं। हम जैसे हेल्दी लोगों के लिए भी मस्त बन जाता है। सो गाइस, ये कोल्ड शोल्डर का सबके पास ही होना चाहिए, सबको शौक रहता है। सो दिस इज माय लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने कुर्ती ली, ओनली ऑफ 500 रुपीज, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। ये एक्सरसाइज है गाइस। सो गाइस, फिनिश हो गई मेरी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। दिस इज माई ऑल ओवर कानपुर स्ट्रीट शॉपिंग part 1, एंड part 2 भी आएगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको खूब सारे थम्स अप दीजिए, लाइक करिए और अपने फैमिली मेम्बर सबके साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए। ओके गाइज, फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, लव यू।